नमस्कार दोस्तों, आप सबका कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस के कुछ रूल्स हैं जिसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कैस्केड कनेक्शंस। दोस्तों, कैस्केड कनेक्शन आपके दो टाइप के होते हैं। एक होगा हमारा इंटरेक्टिव कैस्केड, दूसरा होगा हमारा नॉन इंटरेक्टिव कैस्केड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझो कि कैस्केड होता क्या है। कैस्केड क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये आपके दो अलग अलग कंट्रोल सिस्टम है, जो G1 एक ट्रांसफ़र फंक्शन पहले कंट्रोल सिस्टम का है, G2 एक ट्रांसफ़र फंक्शन दूसरे कंट्रोल सिस्टम का है। दोनों कंट्रोल सिस्टम आपके कैस्केड में कनेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि जो फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम है, इसका आउटपुट जो नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम है उसके इनपुट में चला जाएगा। यानी एक कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट दूसरे कंट्रोल सिस्टम का अगर इनपुट बन जाए तो उस कनेक्शन को हम कैस्केड कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इंटरेक्टिव कैस्केड और नॉन इंटरेक्टिव कैस्केड्स की। दोस्तों, इंटरेक्टिव कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ये G1 एक कंट्रोल सिस्टम है, एक्चुअल में G1 एक ट्रांसफ़र फंक्शन है किसी एक कंट्रोल सिस्टम का, और अगर यहाँ का आउटपुट हम अगर शो करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा आउटपुट है, राइट, और G2 हमारा क्या है, दूसरा कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है, और यहाँ पे इसको हम शो करते हैं इनपुट। अगर मान लीजिए ये जो कंट्रोल सिस्टम है, इसका आउटपुट इम्पीडेंस G2 के इनपुट इम्पीडेंस के बराबर अगर नहीं है, तो दोस्तों क्या होगा, हमारा जो भी आउटपुट वेरिएबल है, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, वो आपका मैक्सिमम ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को मैक्सिमम ट्रांसफ़र करना चाहते हो या पावर को मैक्सिमम ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है, इसका आउटपुट इम्पीडेंस और इस ब्लॉक का इनपुट इम्पीडेंस सेम होना चाहिए। तो इंटरेक्टिव कैस्केड ये होता है जब दोनों का इम्पीडेंस मैच ना हो, यानी वहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव कैस्केड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो दो सिस्टम आपके कैस्केड में कनेक्ट हैं, उन दोनों सिस्टम्स के बीच, यानी यहाँ का आउटपुट इम्पीडेंस और इसका इनपुट इम्पीडेंस बिल्कुल परफेक्टली मैच है। तो जब दो सिस्टम्स आपके कैस्केड में कनेक्ट हों और उनके बीच आपका इम्पीडेंस मैच परफेक्टली हो रखा हो, तो ऐसे कनेक्शंस को हम कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव कैस्केडिंग्स। तो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम में जब भी आपके दो सिस्टम कैस्केड में कनेक्ट होंगे, तो इनडायरेक्टली आप ये समझ लेना कि वो आपके नॉन इंटरेक्टिव कैस्केड्स में हैं, ताकि उनका इम्पीडेंस मैच परफेक्टली हो रखा है और मैक्सिमम पावर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आपके दो सिस्टम कैस्केड में कनेक्ट होते हैं, तो आप उन दोनों सिस्टम्स के जो कंसर्न ट्रांसफ़र फंक्शंस हैं, उनको सिंपली आप मल्टीप्लाई करके दोनों सिस्टम्स को एक सिस्टम से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यानी अगर G1 S1 फर्स्ट ट्रांसफ़र फंक्शन है, G2 S2 सेकंड ट्रांसफ़र फंक्शन है, दोनों कैस्केड में कनेक्ट हैं, तो दोस्तों हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और दो अलग अलग सिस्टम्स की बजाय हम एक ही सिस्टम से उसको रिप्लेस कर देंगे, और उस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन होगा इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ G1 एंड G2, राइट। और दोस्तों, ये आपका ROS क्या है, ये आपके जो इनपुट्स हैं वो S डोमेन में हैं, आउटपुट्स भी आपकी S डोमेन में हैं। R ऑफ S का मतलब होता है दोस्तों रेफरेंस इनपुट, और C ऑफ S का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल्ड आउटपुट। तो इस हेल्प से आप C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S क्या बनेगा, ये आपका ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा, एंड दिस वुड बी इक्वल टू G1 ऑफ S मल्टीप्लाई विद G2 ऑफ S। तो ब्रीफली अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूं, तो जब भी कैस्केड कनेक्शन होगा, इनडायरेक्टली वो आपका नॉन इंटरेक्टिव कैस्केड होगा, और ऐसे कितने भी आपके कंट्रोल सिस्टम्स उसके इंडिविजुअल ट्रांसफ़र फंक्शन से रिप्रेजेंट करा रखे हों, जितने भी कैस्केड कनेक्शन होंगे, उन सभी के ट्रांसफ़र फंक्शंस को हम इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देंगे, और बहुत सारे कैस्केड कनेक्शंस को हम एक सिंपल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। दूसरा जो है हमारा, वो है पैरेलल और फीड फॉरवर्ड कनेक्शन। दोस्तों, इसमें R ऑफ S रेफरेंस इनपुट है, C ऑफ S हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है। अगर ये हमारा फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है G1 ऑफ S, ये हमारा सेकंड कोई कंट्रोल सिस्टम है जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन है G2 ऑफ S,
अगर आपके दो ट्रांसफर फंक्शन इस तरीके से पैरेलली अगर कनेक्ट हैं, ध्यान रहे कि यहाँ पे जो फ्लो है वो बिल्कुल फॉरवर्ड है, तो इसीलिए हम इसको फीड फॉरवर्ड कनेक्शन भी कहते हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चंस में दो अलग ट्रांसफर फंक्शन पैरेलली अगर कनेक्ट हैं और फाइनली वो एक एडर या सम में जाके ऐड हो जाते हैं, तो इन दो अलग अलग ट्रांसफर फंक्शंस को आप एक इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हो, और वो जो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन होगा वो इन दोनों इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शंस का सिंपल एडिशन होगा। तो ये लिखेंगे दोस्तों आप G1 ऑफ S प्लस G2 ऑफ S, राइट। तो इसका मतलब ऐसी सर्किटरी या ऐसा डायग्राम्स आपका इस सिंपल डायग्राम से रिप्लेस किया जा सकता है, और जो ओवरऑल कंट्रोल्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय रेफरेंस इनपुट्स होगा वो होगा हमारा G1 ऑफ S प्लस G2 ऑफ S, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने दो रूल्स को इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। पहला रूल आपका है, अगर आपके दो कंट्रोल सिस्टम या दो से ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम कैस्केड में कनेक्ट हैं, तो उन अलग अलग सिस्टम्स का जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपको गिवन है, उन ट्रांसफ़र फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो कैस्केड कनेक्शंस था उसको आप सिंपल सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपके कंट्रोल सिस्टम पैरेलली कनेक्ट हैं जिसके ट्रांसफ़र फंक्शन से वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो ऐसे कितने भी कंट्रोल सिस्टम पैरेलली कनेक्ट हों, अगर उन सभी के इंडिविजुअल ट्रांसफ़र फंक्शंस को आप सिंपली ऐड कर देते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सर्किटरीज आपकी एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से रिप्लेस किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगर हम किसी भी ब्लॉक डायग्राम में क्लोज लूप बनता है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।